तो फिल्म का एक सीन जो है यहाँ पर फिल्माया गया था जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक सीन आप यहाँ से देख सकते हैं जब छोटू जो है फिल्म का एक सीन जो है यहाँ पर शूट किया गया था जब ये वो जगह है जहाँ राजकुमार होते हैं। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भाया नमस्कार, कैसे हो सभी। तो अभी पहुँचे हम बीकानेर के भैरूबिलास होटल में। तो यहाँ पर सन 2010 में आई फिल्म आई एम कलाम की शूटिंग हुई थी। तो ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री थी। वैसे हम आज ये फिल्म की शूटिंग करने नहीं आए थे, हम छत्रिय और मणिकर्णिका की शूटिंग के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर आज एक सीन तो मना लिए जूनागढ़ फोर्ट का, लेकिन दूसरा सीन जो थे उनके वो कौन सा वो था, लालगढ़ था ना, लालगढ़ फोर्ट में था वो, लालगढ़ फोर्ट नहीं लालगढ़ पैलेस वो होटल के रूप में अभी, तो वहाँ पे ऑफ है आज, संडे है, तो वहाँ हम शूट नहीं कर पाए, इसलिए आज हम सोचा चलो यहाँ पे कर लेते हैं शूट। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ के कुछ लोकेशन। फिल्म का एक सीन जो है यहाँ पर फिल्माया गया था जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं और स्क्रीन शॉट के माध्यम से आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा, और ऊपर देखिए ये सारा अभी दिख रहा है। अभी यहाँ पे पेड़ थोड़े ज़्यादा हो गए हैं इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली सीन जो यहीं का, चलिए अब अंदर का सीन दिखाते हैं आपको। तो ये है रिसेप्शन, ऐसा के ऊपर लिखा हुआ है। तो चलिए रिसेप्शन के कुछ सीन लिए गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। मैनेजर साहब अभी बाहर ही खड़े हैं, अंदर कोई है नहीं। देखिए अभी यहाँ पे लाइटिंग की बहुत कमी है, लाइट बहुत कम है यहाँ पे। तो चलिए स्क्रीनशॉट देखता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारा। और फिल्म का एक सीन जो यहाँ पर फिल्माया गया था ये है रिसेप्शन, ये देखिए चेयर लगी हुई है यहाँ पे, और इधर से सीन फिल्माया गया था, आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। हालांकि लाइट यहाँ पे बहुत कम है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ दिखाने की। ये आप लाइट्स देख सकते हैं ऊपर लगी हुई लाइट, ये पहले भी लगी हुई थी जब मूवी यहाँ पे शूट हुई थी। तो और एक सीन आप यहाँ से देख सकते हैं जब छोटू जो है, जो अमिताभ बच्चन होता है उस फिल्म में, अमिताभ बच्चन के डायलॉग बोलते हैं, उनके साथ आता है चाय देने फर्स्ट टाइम। तो यही सीन फिल्माया गया था, लेकिन इनको थोड़ा चेंज कर दिया गया था, लेकिन बैकग्राउंड चेंज नहीं किया था। तो सीन यहीं का है, यहाँ से वो खड़े होकर प्रणाम करते हैं मैनेजर साहब को, मैनेजर साहब उधर खड़े होते हैं उस साइड में। अभी हम रिसेप्शन से निकल लिए हैं बाहर, और बाहर से भी कुछ सीन देखिए इस गैलरी के सीन है कुछ, लेकिन पहले मैं आपको बाहर के सीन दिखा देता हूँ इस गार्डन के, वो इधर से फिल्माए गए थे। फिल्म का एक सीन जो यहाँ पर फिल्माया गया था आप देख सकते हैं जस्ट सामने, ये ऊपर की जो कढ़ाई हो रखी है, ये जो डिज़ाइन बन रखी है पत्थर में, ये दिख रही है। हालांकि बहुत कम दिख रही है डिज़ाइन यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे पेड़ हो गए हैं यहाँ पे नीचे ही, लेकिन सीढ़ियाँ हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट के माध्यम से, वो आज भी ऐसी कैसी बनी हुई हैं। और यहाँ पर जो चेयर लगी हैं ये पहले अलग थी और अभी इनको चेंज कर दिया गया है, और बीच में ये फव्वारा लगा हुआ है, और इस पे बीच में जो गैलरी है उसका सीन मैं आपको दिखाऊंगा अंदर चल के। एक सीन फिल्म का यहाँ पर फिल्माया गया था आप देख सकते हैं जब हड्डी पहलवान और छोटू यानी कि कलाम चाय लेकर आते हैं, तो यहीं से निकलते हैं, इन्हीं इसी गैलरी में होकर निकलते हैं। ये जो खम्भा आप देख रहे हैं सारे खम्भों का सीन लिया गया है, और उधर से वहाँ पर वो कुछ लोग बैठे होते हैं फॉरेनर जो होते हैं, तो वहाँ से देखिए ये कमरे दिखाए गए हैं लेकिन बाहर से दिख नहीं पा रहे थे, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारे पेड़ हैं ना इनकी वजह से ये कमरे नहीं दिखते हैं, और ना ही ये डिज़ाइन दिख पाती है। देखिए डिज़ाइन ये गोल गोल कुछ से बनी हुई है डिज़ाइन, तो ये नहीं दिख पाती है उस फिल्म का एक सीन यहाँ पर भी फिल्माया गया था, जिसमें देखिए ये ऊपर वाला सीन दिख रहा है और बाकी का सीन नहीं दिख पा रहे हैं, क्योंकि नीचे के झरोखा था वो बंद कर दिया गया है, और फिल्म में यहाँ पर कोई कालीन बिछा दी गई थी। बाकी अभी आप देख सकते हैं आज की कंडीशन इसकी क्या है। फिल्म का एक सीन जो यहाँ पर शूट किया गया था जब कुंवर शाह इधर से इन सीढ़ियों से भाग कर आते हैं और यहाँ पर चढ़ते हैं, पहले यहाँ पे जाली थी लेकिन अभी जाली हटा दी गई है। बाकी और लोकेशन आज भी सेम है आप देख सकते हैं, उस छज्जे के नीचे बल्ब लगा हुआ है वो आज भी लगा हुआ है, और एक स्क्रीन शॉट में आप देखिएगा एक लैंप टंगा हुआ है, तो देखिए वहाँ पर लोहे की कील अभी भी लगी हुई है जिस पर लैंप लगा था, ये पूरा सीन यहीं का है। अभी आप ये लकड़ी का कुछ फ्रेम सा देख रहे हैं, ये ऊंट गाड़ी पे बैठने के काम आता है, इसको फिल्म में कई बार दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं नीचे, इसको कई बार दर्शाया गया है फिल्म में।
फिल्म में एक सीन यहाँ पर फिल्माया गया था, इधर से जब कलाम जो ऊँटगाड़ी लेकर, सॉरी ऊँटगाड़ी नहीं, खाली ऊँट ही होता है, ऊँट को, ऊँट भी नहीं होता, वो ऊँटनी होती है, उसका नाम होता है लक्ष्मी, तो ऊँटनी को लेकर निकलते हैं यहाँ से, वो सीन यहीं का है। ये आप दरवाज़ा देख सकते हैं और ये जीना बना हुआ, पूरा नज़ारा यहीं का है। इधर से ऊँट को लेकर और इधर निकलते हैं और आगे से निकल जाते हैं, लेकिन वो सीन दिखाया नहीं है मूवी में। फिल्म का एक सीन जो यहाँ पर फिल्माया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने वो खिड़की है, थोड़ा यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया गया है, दरवाज़ा लगा दिखाया और इधर भी प्लास्टर कर दिया है और पेंट कर दिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर स्क्रीनशॉट के माध्यम से। और ये जो पेड़ हैं आप देख सकते हैं, ये वाला पेड़ है और ये सेकंड वाला पेड़ इधर है, तो ये दोनों पेड़ दिखाए गए हैं फिल्म में। सो ये वही जगह है जहाँ पर मिस्टर कलाम जी यानी कि छोटू चाय देने आते हैं, इधर से आते थे लक्ष्मी के ऊपर बैठ के, यानी कि ऊँट के ऊपर बैठ, ऊँटनी के ऊपर बैठ के आते थे, और यहाँ पर वो सीटी बजा के राजकुमार को बुलाते थे, तो वो सीन यहीं से फिल्माया गया था। और एक सीन इस गैलरी के अंदर का, चलो वो दिखाते हैं आपको। तो वो गैलरी के अंदर का जो सीन है वो यहीं पर फिल्माया गया था, आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर मॉडिफाई हो गया है, यानी कि चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पर, बट ये जो आप देख रहे हैं सामने जो गेट खुला हुआ है, ये अभी भी ऐसा कैसा बना हुआ है। तो और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से सीन है, चलिए चलते हैं आगे। देखते हैं इस होटल के अंदर काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ जो हैं कलाकृत की गई हैं, ये देखिए काफ़ी शानदार मूर्ति है ये। चलिए आगे चलते हैं, अभी इसी गेट से बाहर निकलते हैं और आ गए बाहर। ये देखिए क्या गजब का सीन बना रखा है यार, बहुत ही शानदार। ये शायद भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, शायद कंफर्म नहीं कह सकता वैसे मैं। और यहाँ का भी कुछ सीन है शायद, चलो देखता हूँ मैं, अगर सीन है तो दिखाऊँगा आपको दोबारा से। ये वो जगह है जहाँ राजकुमार होते हैं और उनकी सिस्टर होती हैं, तो वो खेलते हैं, लेकिन राजकुमार कहते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो वो सीन यहीं पर फिल्माया गया था, जिसमें देखिए इसको भी दिखाया गया है, बड़े वाले तबेले को, और एक ये भी दिखाया गया है, आप स्क्रीन शॉट में ध्यान से देखिएगा, और ये दरवाज़ा भी थोड़ा दिखाया गया है। अभी इधर से धूप आ रही है तो थोड़ा साइड होकर दिखा देता हूँ, हाँ ये देखिए इधर से थोड़ा सा ही दिख रहा है, तो यहीं का है पूरा नज़ारा। सो वीडियो शूट करते करते अभी हम होटल भैरू है ना, होटल भैरू निवास के टॉप पर आ गए हैं, यहाँ से मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ जूनागढ़ फोर्ट का नज़ारा छत से कैसा दिखता है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जस्ट सामने ये है जूनागढ़ फोर्ट, ये देखिए क्या शानदार दिख रहा है। और भाई साहब जो हैं सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं धमाल, क्या बात है, देखिए हो गए फोटो, हाँ ऊपर ऊपर चलना, और भी ऊपर, चलिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, देखते हैं बीकानेर शहर को यहाँ से कैसा दिखता है। अभी हम पहुँच चुके हैं टॉप फ्लोर पर, तो यहाँ से कुछ और भी सिटी दिख रही है, वाह अंधेरा हो गया वीडियो, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए जूनागढ़ फोर्ट का बहुत शानदार नज़ारा आ रहा है ऊपर से, और भी, और ये है पूरा बीकानेर शहर। ये क्या लगा हुआ है, सोलर तो क्या है ये भाई, मैंने तो पहली बार देखा है, क्या है ये, चलिए होगा कोई भी जो भी है बता देना, नीचे खड़े चाहते हैं भाई, उधर मत जाओ, अच्छा नहीं लगेगा, नीचे ही खड़े। तो ये देखिए बहुत ही गजब का नज़ारा है, इधर से सिटी बहुत शानदार दिख रही है यहाँ से, और भाई साहब हमारे बिल्कुल एकदम हीरो लग रहे हैं, चश्मा वश्मा लगा के हीरो वाला पोज ही बन रहा है। सो जितनी यहाँ पे शूटिंग हुई थी फिल्म की सारी हमने शूट कर ली है, और आप हैं मिस्टर अनुज सक्सेना यहाँ के मैनेजर साहब, तो आप तो पहले यहाँ पे थे नहीं जहाँ पे शूट हुई थी, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे हुई थी शूटिंग, हाँ ये पता क्या हुई थी मालूम है ये मुझे, अच्छा अच्छा, चलिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इन्होंने हमें यहाँ पे परमिशन दी और हमने यहाँ पे वीडियो शूट की है। सो होटल के बारे में आपको बता देता हूँ, ये होटल जो है बीकानेर में स्थित है, होटल का नाम है भैरू विलास होटल, और इस होटल में करीब 20 कमरे हैं, और एक कमरे का रेंट है करीब 3 से 3,500 रुपये एक नाइट का, रुक सकते हो आप यहाँ पर। सो और एक बढ़िया चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, ये काफ़ी टाइम पुरानी गाड़ी है,
और इस होटल के जो ओनर हैं यानी कि राजा साहब, उन्हीं की गाड़ी है ये। और पीछे गैराज बना, तो उस गैराज में भी तीन चार गाड़ी उनकी खड़ी हुई हैं, वो हमने देखी थी लेकिन हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। और एक और खास चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे ये बुलेट देख रहे हैं आप, बुलेट खड़ी है, ये US नंबर है। तो हमने यहाँ पे बातचीत की थी कि यार ये बुलेट नंबर, ये जो US नंबर की बुलेट यहाँ पे कैसे है, तो उन्होंने बताया कि एक फ़ॉरेन एक लेडीज़ है जो करीब 1-1.5 साल से यहीं रह रही हैं। तो ये भी यार एक बहुत ही अच्छी बात है, एक फ़ॉरेनर है जिसके लिए इंडिया जो अपना कंट्री है पसंद आया, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।